फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीडी का, अल्फानुमेरिक एलसीडी 16x4। पिछले वीडियो में हमने 16x2 अल्फानुमेरिक एलसीडी की कोडिंग देखा था और इस वीडियो में मैं 16x4 अल्फानुमेरिक एलसीडी पे देखेंगे। तो अल्फानुमेरिक एलसीडी बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको दिखा पिछले वीडियो में बताया था। तो पहले आप कहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, पिक में जाकर एलसीडी टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे एलसीडी मिलेंगे। तो आपको यहाँ से 16x4 अल्फानुमेरिक एलसीडी लेना है, यहाँ से 16x4 अल्फानुमेरिक एलसीडी हमने पहले से ले लिया है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। और पिक से जाकर फिर ATmega16 आपको लेना है, ATmega16 आपको लेना है पिक से जाकर। तो यहाँ से आपको ATmega16 लेना है, मैंने पहले ही ले लिया। तो अब यहाँ का जो इसका कनेक्शन किस तरह होता है, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ आपको, कनेक्शन किस तरह करेंगे। देखिए, पिन नंबर 1, 2, 3 है, हम VCC देते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को +5 वोल्ट, फर्स्ट वाले को ग्राउंड देते हैं, सेकंड वाले को +5 वोल्ट और थर्ड वाले को कंट्रास्ट वोल्टेज। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। और 4, 5, 6 को रीसेट, मतलब रजिस्टर सेलेक्ट, RS, रीड राइट और इनेबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ तक फर्स्ट सेकंड, देखिए मैंने वही किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में मैंने वेरिएबल रेसिस्टेंस नहीं लिया, उसके जगह मैंने थर्ड वाले को ग्राउंड कर दिया है और सेकंड वाले पे मैंने पावर सप्लाई दे दिया, सेकंड वाले पे मैंने पावर सप्लाई दिया और 4, 5, 6 को मैंने पोर्ट बी से जोड़ दिया है और D0 से D7 तक मैंने पोर्ट ए से जोड़ दिया है। और अब हम जो भी टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे वो D0 से D7 तक, मतलब पोर्ट ए में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 4, 5, 6 जो पिन है ये तो फिक्स है कि ये रजिस्टर सिलेक्शन के लिए 4 नंबर पिन होगा और 5 नंबर हमारा रीड और राइट करने के लिए होगा और 6 नंबर हमारा इनेबल करने के लिए होगा। तो ये सारे पिन तो फिक्स हैं। अब इसकी हम लोग कोडिंग समझते हैं, कोडिंग कैसे की है। ये देखिए कोडिंग मैंने यह किया, मैंने पहले IC सिलेक्ट कर दिया Mega16.h, फिर मैंने डिले लगा दिया, फिर मैंने void CMD लगाया, फिर void WData लगाया, मैंने ग्लोबल वेरिएबल में 2 फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया ताकि जहाँ भी मेरा CMD दिखे अपने प्रोग्राम में, जहाँ भी दिखे मेरा WData, हमारा प्रोग्राम में जो हो, जहाँ उसे कॉल करे हमेशा वो जहाँ दिखे उसे हमेशा वहाँ से कॉल कर ले। जैसे यहाँ पर WData है, देखिए तो WData है, इसके नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया WData, इसके अंदर मैंने 4, 5, 6 जो पिन है LCD का उसको मैंने 012 पोर्ट बी के 012 से मैंने जोड़ा है, देखिए पोर्ट बी के 012 से मैंने जोड़ा है और CMD मैंने लगाया। मैं कोड के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि LCD में हम कुछ भी काम करेंगे तो वो कमांड के थ्रू ही करेंगे, LCD कमांड के थ्रू ही चलता है। तो मैंने 2 रजिस्टर सेलेक्ट किए हैं, ए और बी, ये देखिए पोर्ट ए और पोर्ट बी से मैंने इस दोनों को किया, दोनों को मैंने FF, पहले हम प्रोग्राम में 0B11 करते थे तो मैंने FF, आप ये भी हेक्सा में, हेक्स में भी, फाइल में भी लिख सकते हैं FF। अब देखिए मैंने पोर्ट ए में 0X0E कमांड लिखा है डिस्प्ले ऑन करने के लिए, फिर CMD लिखा, जब ये कमांड चलेगा मेरा तो ये CMD जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, ये जो नीचे हमारा फंक्शन है CMD इसे बार बार कॉल करेगा। फिर देखिए फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंट्री मोड, फिर CMD है तो फिर हमारा कर्सर नीचे जो प्रोग्राम है इसे CMD वाले पार्ट को कॉल करेगा, और तो जहाँ जहाँ CMD लिखा हुआ है हर एक के बाद वह उसे कॉल करेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन के लिए मैंने 2 लाइन के लिए, डिस्प्लेइंग इन 2 लाइन्स के लिए 0x38 होता है, अगर आपको फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले कराना है तो 80, सेकेंड लाइन में कराना है तो C0 और थर्ड लाइन में कराना है तो 90 और डिस्प्ले फ्रॉम फोर्थ लाइन कराना है, क्योंकि मैं 16x4 अल्फानुमेरिक कर रहा हूँ तो रो की संख्या जो होगी
हमारे पास 16 होगी, पर सॉरी कॉलम की संख्या जो होगी 16 होगी, और हमारे पास रो की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो हम चाहते हैं कि फोर्थ पोजीशन पे मेरा कोई टेक्स्ट दिखे, तो हम उसे उसके लिए अलग कमांड देंगे, क्योंकि हर एक लाइन के लिए अलग अलग कमांड देना होगा, चाहे वो आप लेफ्ट में लिख रहे हो या राइट में लिख रहे हो, चाहे आप सेंटर पे लिख रहे हो, तो हर एक के लिए अलग कमांड देना पड़ेगा आपको। अब देखिए, मैंने पोर्ट ए में मैंने कहा ही था कि पोर्ट ए से आप कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हैं अपने एलसीडी पर, तो मैंने पोर्ट ए से इंडियन अजीत लिखा, समझ गए ना। देखिए पोर्ट ए से मैंने इंडियन लिखा, मैंने बीच में देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे मेरा जो एलसीडी है वहाँ पे स्पेस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मैंने अजीत को प्रिंट करवाया, और हर बार देखे डब्लू डेटा है, मतलब जब ये पोर्ट ए मेरा आई चले उसके बाद क्या हुआ, डब्लू डेटा मतलब 456 जो हमारा एलसीडी का पिन है 012 जिसमें हम पोर्ट बी में ऐड किए हैं, इस पूरे फंक्शन को वो कॉल कर लेगा मेरा डब्लू डेटा। तो जहाँ जहाँ डब्लू डेटा है तो बार बार हमेशा इसे कॉल कर लेगा डब्लू डेटा को, इसलिए मैंने ग्लोबल वेरिएबल में ही डिक्लेयर कर दिया शुरू में ही कि यस नाम का कोई फंक्शन है हम प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम हमेशा कॉल करता रहेगा। मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखिए मैंने पोर्ट बी पॉइंट जीरो मतलब ये हो गया जो हमारा है, ये 4 नंबर हो गया एलसीडी का, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, तो 6 के लिए मैंने इनेबल किया फिर डिसेबल किया फिर इनेबल किया फिर डिसेबल किया, क्योंकि वन से हम इनेबल करेंगे उससे पहले उसके बीच में मैंने डिले दे दिया ताकि मेरा आउटपुट अच्छे से दिखे। तो मैंने वन किया फिर देखिए डिले लगा दिया, फिर जीरो किया फिर उसे डिसेबल किया फिर वन किया, जिस तरह हम लोग एलईडी में करते थे कि पहले मेरा एलईडी जले उसके बाद पहले क्या उसे ऑन करते थे फिर उसे ऑफ करते थे ताकि मेरा आउटपुट दिखे बिलिंग होता हुआ। तो यहाँ पे भी उसी तरह इनेबल डिसेबल हम लोग किए। पहले हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं आउटपुट, अब तो प्रोग्राम मैंने समझा दिया आपको, अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि हमने जो कोडिंग किया है वो सही है या गलत, हम लोग देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। इसे लोड करते हैं, एलसीडी नाम से है फाइल लोड करते हैं, ओके करते हैं, अब इसे चलाते हैं। ये देखिए मेरा फोर्थ लाइन पे पहले ये प्रिंट होगा, देखिए फोर्थ लाइन पे आ गया मेरा कर्सर, फोर्थ लाइन पे आ गया, देखिए फोर्थ लाइन पे मेरा कर्सर है, दिख रहा है आपको। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये जो नाम है इंडियन अजीत, बीच में मैंने स्पेस दिया था कोड में अपने, तो यहाँ पे भी स्पेस है, देखिए स्पेस दिया था मैंने अपने कोड में, देखिए बीच में भी स्पेस है। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये जो कोड है ये थर्ड लाइन में प्रिंट हो, मतलब इंडियन अजीत है वो थर्ड रो में हो, फोर्थ रो में नहीं थर्ड रो में हो, तो आइए हम फिर करते हैं उसे। मैंने फोर्थ वाले कोड कमांड को हटा दिया, थर्ड वाले कमांड को रहने दिया। आप किसी पार्टिकुलर को चाहते हैं कि मेरा सिर्फ फोर्थ में ही चले तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए मैंने चारों कमांड को लिख दिया एक साथ, फिर मैं हटा के दिखा दूंगा आप सब लोग को। ये देखिए थर्ड लाइन में हो गया मेरा आ गया। अब हम चाहते हैं कि मेरा सेकेंड लाइन में प्रिंट हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आप थर्ड वाले को हटा दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ थर्ड वाला ही चले तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड वाले में देख लेते हैं हम लोग आउटपुट, आपको बार बार रन कराना होगा इसे। चलिए अब थर्ड वाले में हो गया मेरा, सेकंड वाले में अब देखते हैं मेरा सेकंड पोजीशन में आना चाहिए। देखिए सेकंड में मेरा कर्सर आ गया, वहाँ पे इंडियन अजीत लिखा गया, हो गया। अब चाहते हैं फर्स्ट में आए तो आप फर्स्ट में भी हटा सकते हैं, देखिए फर्स्ट में देखिए आ जाएगा, फर्स्ट वाले में भी आप कर सकते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट वाले में भी हो गया, तो हमारा ये कोड ये हो गया फर्स्ट लाइन के लिए। ये सारे एलसीडी की कमांड है। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।